आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल रिचार्जेस कमीशन के बारे में। जब भी आप लोग किसी भी शो पर जाते हैं, वहां से आप अपने नंबर पर रिचार्ज करवाते हैं, तो आपके मन में ये डाउट जरूर चल रहा होता है कि भाई हमने जो रिचार्ज करवाया है, इस रिचार्ज को करने पर एक दुकानदार को कितने पैसों की बचत हुई होगी। या फिर दोस्तों, एक दुकानदार बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर लाइक एयरटेल, जियो, बीआई या फिर बीएसएनएल, ऐसे बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर को रिचार्ज करने के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन का यूज करता है और उन एप्लीकेशन से कितनी अच्छी खासी बचत हो जाती है एक रिचार्ज करने पर दुकानदार को। या फिर दोस्तों, आप भी सन 2023 में मोबाइल रिचार्ज से रिलेटेड या फिर सिम को सेल करने के लिए या फिर सिम को पोर्ट करने के लिए काम शुरू करना चाहते हैं, तो कैसे आप लोग कर सकते हैं, इसके लिए आपको आईडी एंड पासवर्ड कहां से मिल सकती है, तो आज की इस वीडियो में मोबाइल रिचार्जेस से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एयरटेल कंपनी के बारे में कि भाई एयरटेल के रिचार्ज को करने पर एक दुकानदार को कितने पैसों की बचत हो जाती है। तो जब भी आप लोग किसी भी दुकानदार के पास अपने एयरटेल के नंबर को रिचार्ज करवाने के लिए जाते हैं, तो वो दुकानदार एक एप्लीकेशन आता है एयरटेल की तरफ से, मित्रा ऐप, तो उसी एप्लीकेशन का यूज करता है जिससे आपका रिचार्ज करता है। अब मित्रा एप्लीकेशन से एक दुकानदार को कितने पैसों की बचत होती है, तो आप सभी को बता दें, मित्रा एप्लीकेशन में सबसे पहले हमें कुछ पैसों को ऐड करवाना होता है। तो जो दुकानदार होता है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से उसमें कुछ पैसों को ऐड करवाता है। जैसे सपोज दैट अगर एक दुकानदार मित्रा एप्लीकेशन में 1000 रुपए का लोड बैलेंस करवाता है, 1000 रुपए ऐड करवाता है, तो उसे 3% एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके कमीशन के हिसाब से उसका बैलेंस मित्रा एप्लीकेशन में ऐड कर दिया जाता है। यानी कि 1000 पर उसे 1030 रुपए उसके मित्रा एप्लीकेशन में ऐड कर दिए जाते हैं। अब इसके बाद जब भी दुकानदार किसी भी एयरटेल के नंबर पर रिचार्ज करता है, तो वहां पर भी हमें अलग से कमीशन देखने को मिल जाती है। जैसे कि 3% की कमीशन, 6% की कमीशन, 4% की कमीशन या फिर कभी कभी 20% की भी कमीशन मिल जाती है। लेकिन आप सभी को बता दें, नॉर्मल जो भी रिचार्जेस से रिलेटेड एयरटेल के नंबर किसी भी दुकानदार के पास आते हैं, तो ज्यादातर उनमें 3% की ही कमीशन मिलती है। तो बेसिकली एक एयरटेल के नंबर पर रिचार्ज करने पर एक दुकानदार को भाई 3% की कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से मिल जाती है और रिचार्ज को करने पर ज्यादातर 3% की कमीशन और ऐड कर दी जाती है। तो टोटल मिलाकर 6% की कमीशन एक एयरटेल के नंबर पर रिचार्ज करने पर एक दुकानदार को हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया बी के बारे में। आप सभी को बता दें, जिस तरह मैंने आप सभी को एयरटेल के बारे में बताया है, सेम इसी तरह वोडाफोन आइडिया बी का भी एक मोबाइल रिचार्ज से रिलेटेड एप्लीकेशन आता है, जिस एप्लीकेशन का यूज करके एक दुकानदार आप सभी का रिचार्ज करता है। इसी तरह से बीआई के एप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अगर 1000 रुपए का बैलेंस कोई भी दुकानदार डलवाता है, तो उसके 1030 रुपए उसके बीआई एप्लीकेशन में ऐड कर दिए जाते हैं। और इसके बाद जब दुकानदार किसी भी वोडाफोन आइडिया बी के नंबर पर रिचार्ज करता है, तो वहां पर 3%, 6% या फिर इससे ज्यादा की भी कमीशन उसे मिल जाती है। तो इस तरह से वोडाफोन आइडिया बी में भी रिचार्ज करने पर करीब 6% की कमीशन मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं भारत का नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर जियो के बारे में। तो किसी भी जियो के नंबर पर रिचार्ज करने के लिए एक दुकानदार जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन का यूज करता है। अब इस एप्लीकेशन में जब भी कोई भी दुकानदार भाई पैसे को डलवाता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, तो अगर 1000 रुपए अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कोई भी दुकानदार डलवाता है, तो उसके जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन में 1046 रुपए ऐड कर दिए जाते हैं। यानी कि 4.6% की कमीशन दी जाती है। 4.6 कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से मिलने के बाद जियो के नंबर पर जब भी रिचार्ज करते हैं, तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह से जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन की मदद से जियो के नंबर पर रिचार्ज करने पर 4.6 की ही कमीशन हमें टोटल देखने को मिलती है। वैसे करीब आज से 3 महीने पहले की बात करी जाए, तो जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन में करीब 6% की कमीशन हमें मिलती थी, बट जियो की तरफ से इसकी कमीशन को 4.6 कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल के बारे में। बीएसएनएल के किसी भी नंबर को रिचार्ज करने के लिए जो भी दुकानदार होता है, वो भी बीएसएनएल का एक रिचार्ज वाला एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन की मदद से रिचार्ज करते हैं। अब दुकानदार जब भी डिस्ट्रीब्यूटर से कोई भी बैलेंस डलवाता है, तो 1000 पर उसे 3% के हिसाब से जो भी बैलेंस होता है उसके बीएसएनएल एप्लीकेशन में ऐड कर दिया जाता है। यानी कि 1030 रुपए उसे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से दिए जाते हैं। अब जब भी बीएसएनएल के नंबर पर हम बीएसएनएल एप्लीकेशन की मदद से रिचार्ज करते हैं, तो वहां पर भी एक दुकानदार को 3% या फिर 6% की कमीशन मिल जाती है। वैसे दोस्तों मैं आप सभी को बता दें, इस समय सबसे कम कमीशन जियो की तरफ से दी जा रही है, बाकी जो टेलीकॉम ऑपरेटर है 6% से ऊपर की कमीशन दे रहे हैं। अब मैं आप सभी को बता दें, एक दुकानदार सिर्फ रिचार्जेस करके ही अर्निंग नहीं करता,
है। एक दुकानदार की अच्छी खासी अर्निंग तब होती है जब वो एक न्यू सिम को सेल करता है या फिर MNP पोर्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी कंपनी के सिम कार्ड से रिलेटेड काम को शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं या फिर सिम को सेल करना चाहते हैं, MNP पोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ID एंड पासवर्ड कैसे मिल सकती है? तो इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, आपके एरिया में जिस भी कंपनी की ID को आप लेना चाहते हैं, सपोज एयरटेल की अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको एयरटेल के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा कि मैं मोबाइल रिचार्ज का काम करना चाहता हूं या फिर सिम को सेल करना चाहता हूं, सिम को पोर्ट करना चाहता हूं। तो ऐसे में आपसे कुछ आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और कुछ करीब 5 से 6 दिनों के अंदर आपको ID एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड ID एंड पासवर्ड लेने के बाद आप मित्रा एप्लीकेशन में लॉगिन हो सकते हैं, देन जिसके बाद आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, सिम को सेल कर सकते हैं, साथ ही MNP पोर्ट भी कर सकते हैं। सो आई होप अब आप सभी को मोबाइल रिचार्ज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट पता चल चुकी होगी। वैसे अगर आपके मन में कोई डाउट, कंफ्यूजन या फिर कोई भी सवाल चल रहा हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आने वाली ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन से जुड़ी वीडियो के साथ।